इंडिया न्यूज पर बिजनेसमैन और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से खास बातचीत की हमारी संवाददाता अर्जुन सेठ ने, जहां रॉबर्ट वाड्रा लोकसभा चुनाव समेत तमाम मुद्दों पर खुलकर बातचीत करते हुए दिखे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज पूरे गांधी परिवार ने देश की राजधानी दिल्ली में अपने मत का इस्तेमाल किया है, मतदान किया है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा जी मौजूद है, जो एक बिजनेसमैन है और प्रियंका गांधी वाड्रा के हस्बैंड है। सर, एक सदस्य है आपकी फैमिली का जिसने आज पहली बार वोट डाला है, आपकी डॉटर ने, तो क्या कुछ बातचीत उनसे हुई थी आपकी? मैं बहुत खुश था कि वो अपने कॉलेज से छोड़ के आए हैं यहाँ और अपना पहली बारी वोट करने के लिए। और पहले उनकी उन्होंने कहा कि रायान और मिराया ने कि हम अकेले ही जाएंगे मीडिया से थोड़े दूर और अपने आप लाइन में खड़े होकर अपने आप वोट करेंगे। पर मेरे ख्याल से वहीं मीडिया, जैसे ही मीडिया ने पहचान लिया था उन्हें, और फिर भी वो छुप करके वो मतलब कि अपना लाइन में खड़े हुए थे और उन्होंने कोशिश की कि वो अनोनमस रहकर अपना वोट दे पाए। पर फिर मीडिया ने उनसे काफ़ी सवाल पूछे और अच्छे जवाब दिए। मैं खुश था कि उन्होंने जवाब भी सही दिया। और बाकी वो जो आप इलेक्शन का समय है और जो मतदान का समय सबने देना है, ज़रूर वो उसमें शामिल होना चाह रही हैं, क्योंकि वो भी अपने जो अपने सहेलियों से या लोगों से बात सुनती हैं कि अत्याचार हो रहा है, जो भी अपने आवाज़ उठाते हैं, तो उनको चाहिए है कि बदलाव में वो शामिल हों, इस जो बदलाव की ज़रूरत है उसमें शामिल हों। बिल्कुल, और हमने भी खुद बातचीत करी, तब उन्होंने बताया कि मुद्दा जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको ध्यान में रख के उन्होंने इस बार वोट किया है। सर, क्या लग रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में, क्योंकि 5 चरण पूरे हो चुके हैं, ये 6ठा चरण है, कौन सा मुद्दा हावी रह रहा है 2024 लोकसभा इलेक्शन में? जो महंगाई है, सबसे ज़रूरी महंगाई है, क्योंकि हम लोगों से हमेशा मिलते हैं, चाहे गांव में मिलें या शहर के लोगों से मिलें, और उनकी जो मुश्किलें हैं उसको समझते हैं, और कठिनाइयां हैं लोगों की, और कोविड से गुजरे हैं, और अलग अलग समय से मैंने देखा है कि जो उम्मीद थी उनकी इस गवर्नमेंट से, उनको जो भी वायदे किए थे कुछ पूरे नहीं हो पाए। तो महंगाई है जो सबसे बढ़ चुकी है, बेरोज़गारी है, और आजकल तो महिला की सुरक्षा, आजकल क्या काफ़ी समय से है पर आजकल उसमें बातचीत बहुत हो रही है, क्योंकि पूरे देश चाह रहे थे कि एक जो एग्ज़ाम्पल बने या मतलब कि एक जस्टिस मिले कि ये जो 400 महिलाओं के साथ गलत किया, ये प्रबल जो भी है, क्या नाम है, रवन्ना का सो प्रज्वल रवन्ना जो हैं, जो जिन्होंने बोला था एक हफ्ते से वो आएंगे पर आए नहीं यहाँ, और मतलब एक महीना हो गया उन्हें वहाँ। और मुझे लगता है कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ उनका एग्जाम्पल नहीं बनाते और समय से नहीं लाते, तो वो ज़रूर महिला की सुरक्षा की बात नहीं कर सकते। पर बाकी सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई है मुझे लगता है।